नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राव। दिल्ली के दंगों का मास्टरमाइंड बताए जाने वाला ताहिर हुसैन पुलिस की गिरफ्त में है और अब उससे पुलिस फसाद की फैक्ट्री का पूरा सच उगलवाने में लगी है। गुरुवार को गिरफ्तार किए गए ताहिर को पुलिस ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया, जहां से उसे कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए ताहिर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की जरूरत है। इससे पहले एक अदालत ने इस मामले में आत्मसमर्पण करने की ताहिर की अर्जी को खारिज कर दिया था और पुलिस ने ताहिर को कोर्ट की पार्किंग से ही गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में पेश करने से पहले क्राइम ब्रांच की SIT ने करीब 5 घंटे तक ताहिर से पूछताछ भी की। बताया जा रहा है कि इस पूछताछ में ताहिर से 20 सवाल किए गए। ताहिर से पूछा गया कि घटना के वक्त वो कहां था, वीडियो में उसके साथ जो नजर आ रहे हैं वे लोग कौन हैं, बिल्डिंग में मौजूद दंगाई क्या उनके जानकार है, क्या वो उनके कहने और उकसाने पर वहां पहुंचे थे, फरार होने के बाद वो कहां कहां रहा, पुलिस से छिपने में उसकी किस किस ने मदद की, क्या इस दंगे को किसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। इस तरह के कई सवाल ताहिर के सामने दागे गए, लेकिन इस दौरान ताहिर अपने आप को बेगुनाह ही बताता रहा। इसलिए पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी ताकि उससे सच उगलवाया जा सके। SIT सूत्रों की माने तो चांदबाग में जिस तरह से बड़े स्तर पर दंगे हुए, उससे लगता है कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी और इसकी प्लानिंग काफी वक्त से की जा रही थी। इसी प्लानिंग का सच और इससे जुड़े लोगों के बारे में SIT उससे हर एक चीज उगलवाएगी। इधर ताहिर के सौतेले भाई की भी पुलिस को तलाश है, जो उस वक्त उसी बिल्डिंग में मौजूद था। क्राइम ब्रांच के पुलिस सूत्रों के मुताबिक दंगों के बाद से ही ताहिर हुसैन का सौतेला भाई फरार है। इधर SIT ताहिर के ISIS कनेक्शन की भी जांच में जुटी है। दरअसल ताहिर हुसैन UP के अमरोहा का रहने वाला है। 20 साल पहले वो अपने गांव पोरारा से दिल्ली मजदूरी करने आया था, लेकिन 20 साल बाद वो बड़ा बिजनेसमैन और रसूखदार नेता है। वो इतने कम समय में करोड़पति कैसे बन गया, ये भी अब पुलिस जांच का हिस्सा है। अभी ताहिर के पास करीब 18 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। 8वीं पास ताहिर ने 2017 में पहली बार आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो काउंसलर चुना गया था। ताहिर के गांव पोरारा में भी पुलिस ने दबिश दी थी और उसने यहां भी पूछताछ की थी, क्योंकि बीते साल इसी अमरोहा में ISIS के मॉड्यूल हरकतुल हर्ब ए इस्लाम का खुलासा हुआ था। NIA ने यहां से छापेमारी में कई लोगों को पकड़ा था। यहां से टीम को भारी तादाद में विस्फोटक और हथियार भी मिले थे। इसके बाद से ही यहां NIA सक्रिय रहती है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि ताहिर ने कुछ साल पहले गांव के पुश्तैनी मकान को भले ही बेच दिया था, लेकिन गांव में उसकी खाली जमीन अभी भी पड़ी है, इसलिए ताहिर यहां आता जाता रहता है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस दंगों में ISIS का हाथ तो नहीं है और ताहिर का उससे कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है और ताहिर अब 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है। 7 दिन में रोज नए नए खुलासे होंगे, हर चीज से हम आपको अपडेट कराएंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।